दया और अभिजीत महाभारत के अभिमन्यु की तरह एक चक्रव्यूह के अंदर फंस चुके हैं। दया और अभिजीत जब बाइक में कुछ गुंडों का पीछा कर रहे होते हैं तब उनको पता ही नहीं होता कि कब गुंडे जो है वो उनके पीछे की तरफ से भी आ चुके हैं, यानी कि दया और अभिजीत बीच में हैं, उनके सामने भी गुंडे हैं और उनके पीछे भी गुंडे हैं, और इतने सारे लोगों का मुकाबला थोड़ा सा मुश्किल है दया और अभिजीत का करना। तो क्या करेंगे दया और अभिजीत, कैसे बचाएंगे खुद को इस मुश्किल से, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में दया या फिर अभिजीत लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए और अपना प्यार दिखाइए। तो दोस्तों, दया और अभिजीत जो है वो बाइकर्स गैंग के कुछ गुंडों का पीछा कर रहे होते हैं। ये जो एपिसोड है ये हमें सीजन 2 में देखने को मिल सकता है, जहां पर बाइकर्स गैंग सीआईडी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इस गैंग ने सीआईडी के सीजन 1 में भी सीआईडी के नाक में दम कर रखा था, लेकिन सीजन 2 में ये गैंग और भी शातिर बन चुकी है और भी खतरनाक बन चुकी है। तो देखते हैं दोस्तों, दया और अभिजीत इन गुंडों से खुद की जान कैसे बचाते हैं।